आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ही वीडियो के अंदर मैं इतने सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ब्लॉक आइडिया, फेसबुक एड, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, प्लस अगर आपने किसी को लव लेटर भी लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे ये भी बताऊंगा, और इतनी सारी चीजें कि फ्रेंड्स मैं अगर वो सारी डिस्क्राइब करने बैठ गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद आप उस टूल को कैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्री ट्रायल आपको मिलेगा और आप अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते रहो और उसके अंदर फ्री ट्रायल लेते रहो। वीपीएन को भले यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फ्रेंड्स, इसको आज बिल्कुल भी मिस ना करें। अब वो कौन सा टूल है, उसको कैसे यूज करना है, उसके अंदर साइनअप कैसे करना है, यही सारी डिटेल्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। 7 डेज का फ्री ट्रायल है, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। जैसा मैंने कहा था कि आप वीपीएन को यूज करो या फिर अकाउंट क्रिएट करते रहो, स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आप इस पे साइन अप कर सकते हो गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फिर अपना ईमेल आईडी डालें। ये सब करने के बाद यहाँ लोडिंग लिखा आ रहा है तो आपको कुछ देर वेट जरूर करनी पड़ेगी। जैसे लोडिंग खत्म होगा आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसको किस लिए यूज करना चाहते हो, पर्सनल, स्कूल, वर्क, अदर, इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने पर्सनल को सिलेक्ट करा। अब पर्सनल में भी आपकी इसमें जरूरत क्या है, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, स्टार्टअप, यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे तो वो भी यहाँ से मिल जाएगी। प्लस इंस्टाग्राम में कैप्शंस देनी होती है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ मेंस शूज, और उसके बारे में आपने एक लाइन जरूर लिखनी है। मैंने लिख दिया एडिडास शू और क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब आप देख रहे हैं यहाँ लोडिंग लिखा आ रहा है, कुछ टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आप देखेंगे आपके पास अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपको ये 5-6 डिस्क्रिप्शन में से कोई भी अच्छी नहीं लग रही तो नीचे लिखा है मेक मोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे लोडिंग आएगा। कुछ टाइम फिर से आप वेट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे फिर से आपके पास अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है और अब आपको लिखने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यहाँ पर आप कॉपी का बटन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये कंटेंट आपका कॉपी हो चुका है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो यहाँ से इसे कॉपी करने के बाद आप इसे नोटपैड में सेव कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रामरली एक्सटेंशन को डाला है तो वो उसी समय बता देगी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आप उसको उसी समय ठीक कर सकते हैं, जैसे इस समय मैं कर रहा हूँ। ये तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बताई है फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है। यहाँ पे भी आपको अपने पोस्ट का टाइटल डालना है। एग्जाम्पल यहाँ एडिडास शू का है, पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ नेचर। आपने कोई नेचर से रिलेटेड फोटो डाली है और उसके बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करा, सेम वही प्रोसेस है, लोडिंग आएगा, कुछ टाइम आपको इंतजार करनी पड़ेगी और उसके बाद उससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे कैप्शंस आ जाएगी, प्लस हैशटैग भी आ रहे हैं जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। मेन हमारा जो काम होता है ब्लॉग आइडिया का, अब यहाँ ब्लॉग आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कीवर्ड रिसर्च, मैंने ऊपर एक कीवर्ड लिखा, नीचे उसके बारे में एक लाइन लिख दी और क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब उससे रिलेटेड आप देखेंगे इसने मुझे कितने सारे ब्लॉग आइडियाज दे दिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो मेक मोर के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद ये फिर से आपको नए आइडियाज जनरेट करके देगा और इसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स दिखाए, 2-3 एग्जांपल दिखाए, पर फ्रेंड्स ये इतना इंटरेस्टिंग टूल है, 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल है, आप इसे 7 डेज तक तो अच्छा खासा यूज कर सकते हैं और डेली आपको 100 रन्स मिलेंगे। अभी जैसे मैं क्लिक कर जा रहा हूँ वो 1 रन हुआ, 2 रन हुआ, डेली आप 100 सर्चेज इसके अंदर कर सकते हैं और एक हफ्ते तक आप सोच सकते हैं कि फ्रेंड्स 700 सर्चेज आप इसके अंदर बहुत आराम से कर सकते हैं, और उसके बाद वीपीएन यूज करें या फिर दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करके आप फिर से 700 सर्चेज को यूज करें। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज इसकी मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा फन के लिए मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से जरूर देखें। वैसे तो मैंने आपको सोशल एड्स के बारे में बताया था, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इसको भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। लैंडिंग पेज से रिलेटेड आपको मिलेगी, ईमेल से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगी, प्लस अगर आप अपने YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कीवर्ड जनरेटर मिलेगा, या फिर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पॉइंट्स चाहिए वो सारे यहाँ से मिलेंगे। पर जो मैं आपको एक फन के लिए चीज़ दिखाना चाहता हूँ उसको आप ज़रूर देखें।
यहाँ लिखा है लव लेटर। अब लव लेटर के लिए फ्रेंड्स आपको सोचना पड़ता है, इंटरनेट पे आपको इमेजेस ढूंढनी पड़ती है, पर अब आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी गर्ल को दे रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, किसी बॉय को दे रहे हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रिया लिखा, और यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है कि आपको उसकी हंसी अच्छी लगती है, स्माइल अच्छी लगती है, या फिर उसकी केयर अच्छी लगती है। यहाँ पे आप उसे टाइप जरूर करें। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्माइल लिख दिया और क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पर आप देखेंगे उससे रिलेटेड आपके पास इतने सारे मैसेजेस आ गए। अब आपकी ये टेंशन भी मैंने खत्म कर दी कि आपने अगर किसी को लव लेटर लिखना है या फिर मैसेज देना है, यहाँ से जस्ट कॉपी करते रहो और वहां पे जाके पेस्ट करते रहो, इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। एनीवेज ये तो फन था। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये सब कुछ करना होता है, पर डिस्क्रिप्शन में काफी लोग फंस जाते हैं, आप वहां से भी बहुत आसानी से निकल सकते हैं। उसके लिए आपने पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है और यहाँ पर लिखा है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन इंट्रो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना वीडियो का टाइटल डालना है और उसके बारे में एक लाइन डालनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइटल में कीवर्ड रिसर्च लिख दिया और उसके बारे में मैंने फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल लिख के क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास अब एक अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। अब इस डिस्क्रिप्शन को मैं अपने यूट्यूब वीडियोज में बहुत आसानी से यूज कर सकता हूँ, पर एक बार इसे पढ़ना जरूर है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स इसके अंदर कोई आपको चेंजेस करने पड़े तो आप उसे कर सकते हैं, या अगर आपको ना पसंद आए तो ये मेक मोर पे आप क्लिक करें। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, और आर्टिकल लिखने से रिलेटेड मतलब राइटिंग टूल भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे री राइट विथ कीवर्ड्स की आपको ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को लिखेंगे और जो आपका आर्टिकल है कहीं से भी आपने जो कॉपी पेस्ट करा होगा उस पूरे आर्टिकल को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैंने एक लाइन लिखी है पर आपको वहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखना है, और आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली उसे रीराइट करके दे देगा। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग टूल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। आप इसे ठीक से एक्सप्लोर करेंगे तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो शायद आपकी एक ब्लॉगिंग की जर्नी को या फिर आपकी यूट्यूब की जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लव लेटर भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एनीवेज ये तो एक फन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।